कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं और हिल स्टेशनों पर बाजारों में बेपरवाह उमड़ती भीड़ पर केंद्र सरकार ने सख्त रोक अपनाया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ वाली जगह पर अंकुश लगाने और कोरोना प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने राज्यों को ये चेतावनी ऐसे वक्त दी है जब कोरोना से होने वाली मौत नहीं थम रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक वाहनों में कोरोना से बचाव के आचरण का पालन नहीं किया जा रहा है, साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। भल्ला ने स्पष्ट कहा है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए लोग कोरोना से बचाव के नियमों का जरूर पालन करें, विशेष सावधानी बरते जाने की दरकार। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि संक्रमण के मामलों में कमी और सक्रिय मामलों में गिरावट के बाद विभिन्न राज्यों में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को खोला जा रहा है। ऐसे करते वक्त विशेष सावधानी बरते जाने की जरूरत है। अब संक्रमण दर कम हो रही है तो ऐसे उपाय किए जाने चाहिए कि उसमें अचानक से उछाल न हो। दोबारा प्रतिबंध की चेतावनी। भल्ला ने कहा कि किसी भी संस्थान, परिसर, बाजार या इस तरह के स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो वो दोबारा पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यही नहीं, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित धाराओं में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लापरवाही के नतीजे सामने आए। भल्ला ने कहा कि हिल स्टेशनों और बाजारों में बेपरवाह घूमती भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के नतीजे सामने आने लगे हैं। कई राज्यों में आर फैक्टर बढ़ा है जो चिंता का कारण है, और आर फैक्टर ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है। अभी राष्ट्रीय स्तर पर आर फैक्टर एक से कम है, लेकिन पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में ये एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा आर फैक्टर का मतलब है कि संक्रमण बढ़ रहा है। हॉटस्पॉट पर नजर रखें राज्य। पत्र में भल्ला ने कहा है कि दुकानों, मॉल, बाजार, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक पार्क, जिम, बैंक्वेट हॉल और कोरोना वायरस के प्रसार के लिए हॉटस्पॉट माने जाने वाले स्थानों पर कड़ी नजर रखी जाए। ऐसे स्थलों पर कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जांच की गति बनाए रखने की जरूरत। गृह सचिव ने कहा कि कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच की गति में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। संक्रमितों की समय से पहचान होने पर संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। 5 स्तरीय रणनीति से न हटें ध्यान। भल्ला ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के प्रसार को रोकथाम में कारगर पाई गई 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। उन्होंने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोरोना से बचाव के आचरण को जारी रखने पर जोर दिया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।